तो एक एग्जांपल से इसको स्टार्ट करते हैं। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करें? तो फैक्टोरियल नॉर्मली एक प्रोग्राम हम लिखें तो उसमें इंटीजर आई डिक्लेयर किया, फैक्टर डिक्लेयर किया, फैक्ट इक्वल टू वन कर दिया। अब एक लूप लगाते हैं, आई इक्वल टू वन, आई लेस देन 15, आई प्लस प्लस, उसके बाद फैक्ट को आई से मल्टीप्लाई कर दिया। फैक्ट की इनिशियल वैल्यू वन थी, जब वन से मल्टीप्लाई होगा वन रहेगा, टू से टू हो जाएगा, बाद में थ्री से मल्टीप्लाई होगा सिक्स बन जाएगा, फोर से मल्टीप्लाई होगा 120 बन 24, फाइव से मल्टीप्लाई होगा 120 बन जाएगा। इस तरह से बनता जाएगा और उसको हम प्रिंट करते जाएंगे आई और फैक्ट को। लेकिन फैक्टोरियल के दूसरे डेफिनेशन हम देखें तो फैक्टोरियल ऑफ एन क्या होता है? तो फैक्टोरियल ऑफ एन होता है वो वन होता है यदि एन जीरो या वन है, अदरवाइज एन टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन होता है। इस डेफिनेशन को यदि हम काम में लें तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं फैक्टोरियल, और उस फंक्शन में को हम कॉल करते हैं एक लूप के अंदर, और उसके बाद में उस फंक्शन को हम फंक्शन के अंदर हम लिख देते हैं इफ एन इज लेस देन इक्वल टू वन रिटर्न वन, क्योंकि हमारी डेफिनेशन में ये था यदि एन लेस देन इक्वल टू वन है तो फैक्टोरियल ऑफ एन वन होगा, एल्स एन इंटू एन फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन होगा, तो एल्स रिटर्न एन स्टार फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। मतलब हम इसी फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को खुद को कॉल कर रहे हैं। जो कंपाइल एंड रन करके देख लेते हैं, तो यहां पर फंक्शन फैक्टोरियल है वो प्रोटोटाइप लिया, आई फैक्ट इक्वल टू वन, फोर आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन 22, आई प्लस प्लस, ये लूप लगाया, प्रिंट किया। यहां पर ये फैक्ट है ये यूजलेस है, इसको ना रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में ये फंक्शन है इसको कॉल किया, फंक्शन कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेगा? तो आई की कोई भी वैल्यू यहाँ पर फंक्शन के पास जाएगी, यदि वो वैल्यू वन से कम या उसके बराबर हुई तो रिटर्न वन करेगा, एल्स एन स्टार फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन। मतलब ये फैक्टोरियल है ये खुद को ही कॉल कर रहा है, खुद फंक्शन अपने आप को कॉल करे, उसको हम रिकर्जन बोलते हैं। इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं तो सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है, रन भी सक्सेसफुली हो गया है, और वैल्यूज फैक्टोरियल ऑफ जीरो इज वन, फैक्टोरियल ऑफ वन इज वन, फैक्टोरियल ऑफ टू इज टू, फैक्टोरियल ऑफ थ्री इज सिक्स, फैक्टोरियल फोर ऑफ इज 24, फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज 120 एंड सो ऑन। ये वैल्यूज लगभग फैक्टोरियल ऑफ 20 तक सही आ रही हैं, फैक्टोरियल ऑफ 21 गलत आ रहा है क्योंकि ये हमारी रेंज से बाहर निकल गया है। क्यों निकल गया? क्योंकि हमने जो लिया था वो अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर लिया था, अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर की जो जितनी परिभाषा जितनी लिमिट होती है वहां तक ये सही आया है। ये जो रिकर्सिव फंक्शन है किसको कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन? तो रिकर्सिव फंक्शन इज ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कोई फंक्शन यदि अपने आप को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कॉल करे तो उसको हम रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ फैक्टोरियल फंक्शन है वो अपने आप को कॉल कर रहा है। इफ ए रिकर्सिव फंक्शन इज कॉल्ड विद ए बेस केस द फंक्शन सिंपली रिटर्न ए रिजल्ट। कोई फंक्शन है वो रिकर्सिव फंक्शन है वो जब कॉल करता है तो उसमें एक बेस केस भी होना चाहिए, बेस वैल्यू भी होनी चाहिए। यदि बेस वैल्यू है तो वो हमें रिजल्ट रिटर्न करता है। इफ इट इज कॉल्ड फॉर कॉल्ड विद ए मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम द फंक्शन डिवाइड्स द प्रॉब्लम इनटू टू कॉन्सेप्चुअल पीसेस, ए पीस दैट द फंक्शन नोज हाउ टू डू एंड ए स्लाइटली स्मार्टर वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो कोई भी अपने पास कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, तो हम उसको रिकर्सिव फंक्शन से ही करना पसंद करते हैं या रिकर्सिव फंक्शन से करते हैं। किस तरह से करते हैं? तो फंक्शन अपनी प्रॉब्लम को हम कुछ कॉन्सेप्चुअल पीसेज टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, जो उसका कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे दो कुछ टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, और उसके बाद में उसको थोड़ा सा स्मार्ट रूप में प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। न्यू प्रॉब्लम लुक्स लाइक द ओरिजिनल प्रॉब्लम।
the function launches a recursive call to work on the smaller problem. तो यहाँ पर जैसे factorial में हम देखें तो factorial n calculate कर रहे हैं, हमारे definition में factorial of n क्या है, n times factorial of n minus 1. अब factorial of n minus 1 वो factorial n जैसा ही हो गया है, तो हम उस इस तरह का जब भी जहीं जहाँ कहीं भी मिलता है उसको हम कहते हैं function की इस तरह की call जो similar problem है, तो similar problem recursive में डाल देते हैं और problem को हम solve कर लेते हैं. For recursion to terminate, each time the recursive function calls itself with a slightly simpler version of the original problem, the sequence of smaller and smaller problem must converge on the base case. जो भी recursive function है वो हमें result देगा यदि वो कभी terminate होगा, और वो terminate होगा यदि उसका next version है. जैसे यहाँ function को हम call कर रहे हैं factorial को, तो ये next value n minus 1 ले रहा है, मतलब अब पहले फैक्टोरियल n कैलकुलेट करना था, अब n माइनस 1 मतलब एक कम वैल्यू का करना है. तो प्रॉब्लम इस तरह से छोटी होती जानी चाहिए और इस तरह की जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जिंग सीक्वेंस होनी चाहिए, अभिसारी होनी चाहिए. यदि अभिसारी नहीं है तो ये कभी कन्वर्ज नहीं होगा और ये रिकर्सिव फंक्शन इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा. और जो बेस केस है उस पर कन्वर्ज होना चाहिए. बेस केस क्या है, जो अपनी टर्मिनेशन कंडीशन है. जैसे यहाँ पर n लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यदि हम यहाँ n फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख देंगे इनपुट में तो ये कभी एंड नहीं होगा, या n की वैल्यू नेगेटिव दे देंगे तो ये कभी एंड नहीं होगा, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव के लिए तो ये एंड हो जाएगा क्योंकि बेस केस लेस देन इक्वल टू 1 है. लेकिन n की वैल्यू या इनपुट में फैक्टोरियल n प्लस 1 लिख देंगे तो ये कभी एंड नहीं होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू बढ़ती जाएगी और यहाँ एक बेस केस है वो कभी भी ट्रू नहीं होगा. If it's called the more with a more complex problem, the function divides the problem into two conceptual pieces. When the function recognizes the base case, the result is returned to the previous function call, and a sequence of returns ensues all the way up the line until the original call of the function eventually returns the final result. So, जब function को base case मिल जाता है तो उसको जितनी बार कॉल हुआ है उनको सबको कलेक्ट करके जो फाइनल को वैल्यू जो बन रही थी, जो पहले इसको जहाँ कॉल किया गया वहाँ जो वैल्यू चाहिए गई थी वो वैल्यू ये कैलकुलेट करके रिटर्न कर देता है. स्टैंडर्ड सी डज नॉट स्पेसिफाई द ऑर्डर इन विच द ऑपरेंड्स ऑफ मोस्ट ऑपरेटर्स इंक्लूडिंग प्लस आर टू बी इवेल्यूएटेड. ऑफ सी मैनी ऑपरेटर्स द स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन of the operands of only the operands and or comma operator and trinary operator question mark colon. The first three of these are binary operators whose two operands are evaluated left to right. The last operator is only trinary operator its leftmost operand is evaluated first. If it evaluates to non-zero, the middle operand is evaluated next and the last operand is ignored. If the leftmost operand evaluates to zero, the third operand is evaluated next and the middle operand is ignored. तो यहाँ पर ये कह रहा है सी की जो स्टैंडर्ड सी प्रोग्रामिंग है वो जो ऑपरेंड्स है उनको किस ऑर्डर में ऑपरेटर है, क्या है ऑर्डर इन which the operands of most operator are to be evaluated. अधिकतर operators के लिए operands को किस order में operate किया जाए ये सी standard सी में specify नहीं है. जैसे addition, यहाँ addition लिखा है तो addition के लिए plus के लिए पहले left को operate किया जाए या right को, मतलब addition में दोनों symmetric होते हैं left plus right, तो लेफ्ट को राइट पे ऑपरेट किया जाए या राइट को लेफ्ट पे, ये कोई डेफिनेशन इसमें नहीं होती है, ये इसमें डिफाइंड नहीं है. हाँ कुछ जैसे एम परसेंट है और है कोमा है उनके लिए कुछ है, या ट्रेनरी ऑपरेटर जो है क्वेश्चन मार्क कोलन उसकी जो पूरी डेफिनेशन दे रखी है, तो इसमें कितने ऑपरेंड होते हैं
तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क से पहले एक ऑपरेशन होता है, कुछ ऑपरेंड होता है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन के बीच में एक ऑपरेंड होता है, और क्वेश्चन मार्क कोलन के बाद में एक ऑपरेंड होता है। तो क्वेश्चन मार्क से पहले जो ऑपरेंड होता है वो एक कंडीशन होती है जो ट्रू या फॉल्स होती है, मतलब जीरो या नॉन जीरो होती है। जीरो मतलब फॉल्स, नॉन जीरो मतलब ट्रू। यदि वो ट्रू है तो क्वेश्चन मार्क एंड कोलन के बीच में क्या ऑपरेशन इसको कहा गया वो ऑपरेट होता है। यदि क्वेश्चन मार्क से पहले जो है वो जीरो है तो क्वेश्चन मार्क एंड कोलन के बीच वाली ऑपरेंड को इग्नोर करता है, और उसके कोलन के बाद वाला क्या है उसको ये इवोल्यूट करता है। अब है रिकर्सिव फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज जो है वो क्या होती है, तो फिबोनाची सीरीज में यदि हम किसी एक सीक्वेंस होती है, एक अनुक्रम होता है जिसके एंथ एलिमेंट को यदि हम एफ एन से रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से होती है कि इसका पहले दो एलिमेंट जीरो और वन होते हैं और आगे सारे एलिमेंट्स पहले वाले दो एलिमेंट्स का एडिशन होते हैं। मतलब एफ जीरो है वो जीरो होता है, एफ वन वन होता है, और एफ एन है वो एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन प्लस एन माइनस टू होता है। यदि कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो एफ एन इज इक्वल्स टू जीरो इफ एन इज इक्वल्स टू जीरो, वन इफ एन इज इक्वल्स टू वन, अदरवाइज एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू। ये ओनली एन ग्रेटर देन वन के लिए एफ एन वाली डेफिनेशन। और उसके बाद में तो ये सिक्वेंस किस तरह से बन जाती है, ये जीरो वन वन टू थ्री फाइव एट थर्टीन ट्वेंटी वन थर्टी फोर फिफ्टी फाइव एटी नाइन वन वन फोर एंड सो ऑन, इस तरह से ये सीरीज बन जाती है, ये सीक्वेंस बन जाती है, ये सीक्वेंस बन जाती है। इसके लिए हम प्रोग्राम लिखें तो यहाँ पर हम फिबोनाची नंबर प्रिंट करना चाह रहे हैं, हम एक नंबर प्रिंट करते रीड करते हैं और उस नंबर पे फिबोनाची सीरीज का कौन सा नंबर है सीक्वेंस में, उतने नंबर पे कौन सा नंबर फिबोनाची सीरीज का है वो हम कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ एक फंक्शन लिया है, उसको हम कॉल करते हैं और वो फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो हम रिजल्ट को असाइन करते हैं और रिजल्ट को प्रिंट कर देते हैं। फंक्शन क्या कर रहा है, यदि एन की वैल्यू जीरो या वन है तो ये रिटर्न करेगा एन की वैल्यू, क्योंकि एफ जीरो जीरो है, एफ वन वन है, अदरवाइज ये एन माइनस एफ एन माइनस वन उसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसके एन माइनस वन और एन माइनस टू वैल्यू को ऐड करके प्रिंट कर दे रिटर्न कर देते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये एग्जांपल है जिसमें ये कमेंट है, प्रोटोटाइप फंक्शन है, मेन फंक्शन में रिजल्ट को डिक्लेयर किया है, नंबर को डिक्लेयर किया है, नंबर को रीड किया है, फिबोनाची फंक्शन को कॉल किया है, जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो रिजल्ट को असाइन किया है और रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। फिबोनाची फंक्शन में क्या है, तो उसमें इफ जीरो इज इक्वल्स टू एन और वन इज इक्वल्स टू एन तो रिटर्न एन, एल्स रिटर्न फिबोनाची एन माइनस वन प्लस फिबोनाची एन माइनस टू। कंपाइल एंड रन करके देखते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली रन करते हैं तो यहाँ पर जैसे देख के देखते हैं, जीरो जीरो पे जीरो, वन पे वन, टू पे वन, थ्री पे टू, फोर पे थ्री, फाइव पे फाइव, सिक्स पे एट, एट पे ट्वेंटी वन, टेन पे फिफ्टी फाइव, ट्वेंटी पे सिक्स फाइव सिक्स सेवन सिक्स फाइव, थर्टी पे नंबर बड़ा आ गया एट थ्री टू ज़ीरो फोर ज़ीरो, और इस तरह से हम कितने भी नंबर्स का कैलकुलेशन कर सकते हैं।